कि इन हथकंडों पर मोहर अब सुप्रीम कोर्ट के मुअज्जिज जज साहिबान ने अपने रिमार्क्स और अपने फैसलों के जरिए लगा दी। हाई कोर्ट के जजेस ने मुअज्जिज जज साहिबान ने अपने फैसलों और रिमार्क्स के जरिए लगा दी और रही सही कसर उसकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने पूरी कर दी, जिसमें ये क्लियरली कहा गया कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी जोड़ तोड़ के लिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको दबाने के लिए और हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नैब को जो है वो इस्तेमाल किया गया। तो इस हैसियत का, इसमें तो मेरा ख्याल है कि ऐसी नैब के सामने पेश ना होना शायद कानून की ज़्यादा पासदारी होगी, क्योंकि नैब तो अब इन रिमार्क्स के बाद, इन फैसलों के बाद और इस दहशतगर्दी के बाद, इस इंतकाम की सियासत के बाद, इंतकामी हरबों के बाद, कार्रवाइयों के बाद, नैब तो अब एक खुद मतलूब इदार है। नैब को तो अब खुद जवाब देने कि उन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा, पाकिस्तान के एक्सचेकर का पैसा उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग में क्यों उसका बेदरेग इस्तेमाल किया, क्यों नैब ने उस पैसे के ज़रिए मुखालफीन को की जोड़ तोड़ की, सियासी जमातों की उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और हुकूमत की मदद की। अभी मीर शकील और रहमान साहब का आप केस ले लें, एक वज़ीर मौसूफ फरमा रहे थे कि मैं इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि मीर शकील और रहमान साहब को छोड़ दें। तो मीर शकील और रहमान साहब को, जिनको 140 दिन हो चुके हब से भेजा के अंदर, उनको क्या इमरान खान साहब ने पकड़ा है? उनको तो नैब ने पकड़ा है। और क्या इमरान खान के कहने से वो नैब उसको छोड़ देगी? तो ये हालत ज़ार है नैब की, जिसमें मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और उनका असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, नैब का असूल ये है कि नाइंसाफ़ी सिर्फ होनी नहीं चाहिए बल्कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जोड़ तोड़ जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नज़र भी आना चाहिए। और अब उनका ये असूल है कि दहशतगर्दी नैब की तरफ से सिर्फ होनी नहीं चाहिए, आज पूरी दुनिया ने जैसे देखा कि होते हुए नज़र भी आनी चाहिए। तो बड़ा घिनौना किरदार है नैब का, जितनी उस पर बात की जाए कम है। लेकिन बात यह है कि ये मेरे पे पहला दूसरा मुकदमा नहीं है, ये मेरे पे तीसरा मुकदमा है। और अगर पहला मुकदमा इतना अच्छा था तो फिर दूसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर दूसरा मुकदमा इतना मज़बूत था तो तीसरा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला भी ख़त्म हो गया, दूसरा भी ख़त्म हो गया, तीसरा जो है उसका भी वही अंजाम होगा जो पहलों का हुआ, यानी कि कुछ नहीं। एक इंकशाफ आज मैं यहाँ कर दूँ कि जिस रेफरेंस के अंदर या जिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर उन्होंने मुझे पिछले साल पकड़ा था नैब ने, और तकरीबन 60 दिन में उनकी मेहमान रही थी, पहली पाकिस्तान की 72 साल की हिस्ट्री में पहली खातून सियासतदान जो नैब की मेहमान रही, और उस वक्त उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि मुझे क्या रखे, कहाँ रखें, क्योंकि उनके पास ख़वातीन को रखने का कोई जगह नहीं थी। लेकिन वो जो जिस मुकदमे में मुझे पकड़ा गया, क्या आप जानते हैं, क्या पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि वो रेफरेंस 1-1.5 साल के बावजूद आज तक नहीं बन सका? इन्वेस्टिगेशन के नाम पे मुझे 60 दिन रखा और सवाए इन्वेस्टिगेशन के वहाँ सब सवालात मुझसे पूछे गए, मुझसे पूछते रहे। वो बहुत इंटरेस्टेड थे मेरी ज़िंदगी में, तो मुझसे पूछते रहे कि मुस्लिम लीग नून तो बहुत बड़ी सियासी जमात है, वहाँ आपकी कितनी से है, मुस्लिम लीग नून में मशावरत का क्या अमल है, आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है, आप कितनी कौन सी किताबें पढ़ी हैं, आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है। पोलो कोएलो के ऊपर मेरे से डिस्कशंस होती रहीं, मुल्की सियासी मंजरनामे पर मेरे से डिस्कशंस होती रहीं। मैं अगर नहीं पूछा तो मुकदमे के बारे में चीज़ें नहीं पूछी। और वो मुझे समझ आती है कि 2018 में जब मुझे अरेस्ट किया, क्यों किया? इलेक्शन आ रहे थे, नवाज शरीफ को अरेस्ट करना और मरियम नवाज को अरेस्ट करना तो ज़रूरी था, उसके बगैर तो इलेक्शन नहीं जीता जा सकता था। वो धांधली का एक बहुत बड़ा हिस्सा था,
समझ आ गई मुझे, मुझे तो कोई उसमें शक ही नहीं था कि मुझे क्यों पकड़ा उस वक्त, पिछले साल मुझे क्यों गिरफ्तार किया इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, वो भी समझ आती है कि एक के बाद एक मेरे ऐसे ज़बरदस्त जलसे हो रहे थे कि माशाल्लाह अवाम की एक लहर उठ रही थी, एक राय बन रही थी, एक तूफान आ रहा था जिसको रोकना ज़रूरी था। और 8 तारीख को कश्मीर में मेरा जलसा था, कश्मीर पे हम अभी बाद में आते हैं, कश्मीर पे मेरा जलसा था, और 6 तारीख को मुझे जब मैं मियाँ साहब से मिलने अपनी हफ्तावार मुलाकात के लिए मैं उनसे मिलने जब कोट लखपत जेल गई, तो वहाँ मैं मियाँ साहब के साथ मुलाकात कर रही थी, हम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे, तो मुझे वो जेलर साहब आके कहते हैं कि आपको बाहर शहबाज शरीफ साहब बुला रहे हैं। तो मैं जब जेल के गेट से बाहर निकली तो शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, साथ नैब खड़ा था, पुलिस खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये आपको गिरफ्तार करने आए। तो मैंने पूछा क्यों, बस मैडम ये इस तरह से मुझे उन्होंने मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ, मैं अंदर मियाँ साहब से मुलाकात में हूँ, मैं मियाँ साहब को खुदा हाफिज़ कह के एक दफ़ा उनको गले मिल के मैं आपके पास वापस आती हूँ। उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। अभी मैं अंदर मियाँ साहब के पास पहुँची और मैंने मियाँ साहब को बताया कि मुझे बाहर अरेस्ट करने आए। मियाँ साहब ने कहा क्यों, मैंने कहा मैं नहीं जानती। तो इतने में नैब जेल के अंदर घुस आई, जिस कमरे में मैं और मियाँ साहब मौजूद थे वहाँ आकर मुझे मियाँ साहब के सामने उन्होंने गिरफ्तार किया, और मेरे बच्चे बैठे थे, मेरी बेटी बैठी हुई थी, वो छोटी है उम्र की, वो रोने लगी, मियाँ साहब की आंखों में आंसू आ गए। उनके सामने एक बहुत सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे गिरफ्तार किया, और मैं उनको कहती रही कि आप फिक्र ना करें कुछ नहीं होता, मुझे नैब ले गए। लेकिन अब आज गिरफ्तार करने का या आज मुझे नैब में बुलाने का 1 साल बाद अचानक उनको क्या ख्याल आया? आज तो कोई जलसे रैलीज नहीं हो रही, आज तो कोई सर पे इलेक्शन नहीं है, तो उस पर मैं सोच रही थी कि आज अचानक कौन सी कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन आ गई है कि इनको ये करना पड़ा, मुझे बुलाना पड़ा फिर से। तो मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये खौफ जो आजकल इनके इंटरनल सर्वेज हो रहे हैं जिनकी खबर ये मीडिया को तो रिलीज़ नहीं करते, लेकिन सर्वेज़ की खबर हम तक भी पहुंचती है, तो उन सर्वेज़ में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का ग्राफ जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, और पंजाब के अंदर स्पेशली